तो बिहार में बढ़ते महंगाई, परिवारवाद सहित कई मुद्दों को लेकर आरजेडी की ओर से पोस्टर वॉर किया गया है। पोस्टर में परिवारवाद को दिखाया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को पोस्टर में दिखाया गया है। वहीं रविशंकर प्रसाद के बेटे ठाकुर प्रसाद, नीतीश मिश्रा के बेटे जगन्नाथ मिश्रा, अजीत शाश्वत के बेटे अश्विनी चौबे सहित कई नेताओं को पोस्टर के जरिए परिवारवाद को दिखाया गया है। वहीं घोटाले के साथ साथ महंगाई का भी जिक्र इस पोस्टर के जरिए किया गया है। सहयोगी अमित वर्मा की पूरी रिपोर्ट देखिए। एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, पोस्टर बाट की राजनीति खूब देखने को मिलती है और ऐसे में राजद की तरफ से पोस्टर के जरिए जो है एनडीए गठबंधन पर हमला किया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें परिवारवाद का जिक्र किया गया है। घोटाले जो होते हैं उसको लेकर एनडीए गठबंधन में जो घोटाले हुए हैं उसका जिक्र किया गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर ये पोस्टर के जरिए जो है ये जिक्र किया गया है। आप देख सकते हैं पोस्टर के माध्यम से राजद के प्रदेश महासचिव जो है भाई अरुण कुमार ने ये पोस्टर लगाया है और कई मुद्दों को लेकर पोस्टर के जरिए जो है निशाना साधा है। क्या कुछ है इसमें पोस्टर के जरिए आप हमला किए हैं? पोस्टर के जरिए हमला नहीं, पोस्टर के जरिए नरेंद्र मोदी और देश की जनता को आईना दिखाने का काम किया गया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लाल किला पर खड़ा होकर परिवारवाद पर भाषण देते हैं, तो परिवारवाद पर उनको अपना भाजपा का परिवारवाद नहीं दिखता क्या? वही मैंने दिखाने का काम किया। भ्रष्टाचार पर उन्होंने वो लंबा लंबा भाषण देते हैं, उनको भ्रष्टाचार दिखाने का काम किया। महंगाई पर के माँ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन महंगाई का मैंने दिखाने का काम किया कि अच्छे दिन कहाँ से आए। मणिपुर की घटना में रोज मर्डर हो रहे हैं, स्त्रियों के इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, उसके मैंने दिखाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी को झूठ घोटाले को लेकर जो दिखाया गया ये बंधन है, घोटाला क्या कुछ है उसमें, क्या आप दिखा? बंधन का मतलब हुआ कि चारों तरफ बंधे हुए हैं घोटालेबाजों से, और ये घोटालेबाजों का सरताज है, लेकिन इनको नजरे नहीं आता है, इनको तो दूसरे का घोटाला नजर आता है। इनको जो घोटालेबाज नहीं है उनको ये घोटालेबाज कहते हैं, और जो इनके साथ घोटालेबाज है उनको इन्हें कैग रिपोर्ट आया है कल परसों, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें कितने घोटाले निकले। परिवारवाद को लेकर भी आप निशाना साधे हैं, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, नीतीश मिश्रा सहित कई लोगों को क्या आप जिक्र किए हैं? मैं कह तो रहा हूँ ये बहुत छोटा सा है लिस्ट, अगर लिस्ट बनाने लगेंगे तो बुकलेट छप जाएगा। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी आए दिन जो है महागठबंधन पर निशाना साधते रहती है, पर यह आप लोग भी दिखा दिए परिवारवाद को लेकर? दिखा नहीं दिए, अभी तो आओ दिखाएंगे, अभी उस पर एक बुकलेट जारी करेंगे कि कितना परिवारवाद है उनका। ये फिर बढ़ते महंगाई पड़ने पर आपने दिखाया है, बढ़ता महंगाई देख लीजिए यूपीए सरकार, और ये अच्छे दिन का जिक्र किया, अच्छे दिन का देखिए कि क्या स्थिति है। लोग हमारे जैसा लोग एक टाइम भोजन करता है, जो कांग्रेस का सरकार था तो तीन टाइम भोजन करते थे, आज हमारे जैसा लोग एक टाइम भोजन करता है, आवाज़ नहीं निकल रहा है, सवेरे से खाना एक टाइम खाए हैं, तो ये स्थिति है। महंगाई का स्थिति ऐसा है कि हम लोग जैसा आदमी को भी भोजन नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि लगातार जो है परिवारवाद, घोटाले और बढ़ते महंगाई को लेकर पोस्टर के जरिए जो है एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा गया है और कहा गया है कि अभी और कुछ लिस्ट जारी की जाएगी और एनडीए गठबंधन को घेरने की तैयारी की जाएगी। पटना से रफ्तार मीडिया के लिए अमित वर्मा।